अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट ताबिश रजा, और आप देख रहे हैं वॉइस एंड टेस्ट। तो यार, आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि पीएमसी ने तमाम यूनिवर्सिटीज, किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो यार, हम लोग आज तक पीएमसी और पीएमडीसी के चक्कर से भी नहीं निकल सके कि कभी पीएमसी आ रही है, कभी पीएमडीसी आ रही है, और इनके रूल्स पढ़ पढ़ के हम लोग थक चुके हैं। उसके अलावा यार, अगर आप मेरी बात सुने, कौन सा कंट्री है या किसी भी कंट्री, और क्या फॉरेन कंट्रीज नहीं थे जिनमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स डॉक्टर बन रहे हैं, मेडिकल के स्टूडेंट डॉक्टर बन रहे हैं? जिस तरह चाइना हो गया, यूक्रेन हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, बहुत से कंट्रीज हैं जिनमें पाकिस्तानी स्टूडेंट डॉक्टर्स बन रहे हैं। क्या उन लोगों के लिए रूल्स नहीं थे, सिर्फ किर्गिस स्टूडेंट्स के लिए रूल्स थे? हम लोग भी तो यार डॉक्टर बन रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोग जो नए स्टूडेंट्स आजकल गए हुए हैं या जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं किर्गिस्तान जाने के लिए, जिनके एडमिशन हो चुके हैं, वो बहुत ज्यादा पैनिक है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वो पहले तो कोरोना की वजह से उन्हें पता नहीं था कि क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं। उसके अलावा ये इतना बड़ा इशू आ गया, वो अपने पैसे फंसा चुके हैं। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से पेरेंट्स पैसे इकट्ठे करके आप लोगों को देते हैं। हर हर फैमिली की अच्छी कंडीशन तो नहीं होती। माँ बाप का एक मतलब ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे डॉक्टर्स बने। वो आखिर किसी भी तरीके से आप लोगों के लिए जमा पूंजी करते हैं, इकट्ठे करते हैं पैसे, आप लोगों को मतलब एक दूसरे कंट्री में भेजते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक आम आदमी अपने मतलब इस तरह से अफोर्ड कर ही नहीं सकता कि मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल के लिए पाकिस्तान में तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर हम लोगों को एक चांस मिला किसी भी फॉरेन कंट्री में जाने का, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया तमाम यूनिवर्सिटीज को। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इस तरह आप लोग देखें कि स्टूडेंट्स पैनिक ना हो। आप लोग सबसे पहले यूनिवर्सिटीज को अपना क्राइटेरिया दें, अगर यूनिवर्सिटीज उसे फॉलो नहीं करती तो आप लोग उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दें। लेकिन ये है कि पहले आप लोग उन्हें दें ना, रूल्स दें कि क्या क्या आप लोगों ने करने हैं, वो रूल्स आपके फॉलो करें, ठीक है। वो भी कोशिश करेंगे कि अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की। जो यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज आप क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करता, उसके अलावा आप लोग अगर आप लोगों को इश्यू है कि यूनिवर्सिटीज में किर्गिस्तान में स्टूडेंट्स ज्यादा जा रहे, तो आप लोग इन्हें लिमिट्स दें कि कितने स्टूडेंट्स जाने चाहिए पर ईयर, पर सेमेस्टर कितने, आप लोग इन्हें परमिशन दें उसके मुताबिक। ये तो नहीं है कि जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं, जो लोग 3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर या एडमिशन ले चुके हैं, उनके आप लोग फ्यूचर के साथ खेलें। तो मैं एक किर्गिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से एक आवाज बन के मैं अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि मेहरबानी की जाए, जो रूल्स हैं उन्हें एक वाज़े तौर पर हम लोगों के सामने लाया जाए, और उसके अलावा कुछ इस तरह के रूल्स बनाए जाए ताकि हम लोग टाइम से, हम लोग इस झंझट से निकलें कि क्या क्या परेशानियां हैं, क्या सब कुछ, हम लोग इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते। बस मेहरबानी करके हमारे फ्यूचर के साथ ना खेला जाए, और हमें एक जो भी रूल्स वगैरह हैं वो हमें बताए जाएं, ताकि और किर्गिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट से फौरी तौर पर निकाला जाए। आप लोग अपने रूल्स बताएं और वो लोग कोशिश करेंगे रूल फॉलो करने के लिए। आज हमें 6 महीने 7 महीने हो गए हैं हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, कोरोना आ गया, कभी क्या मतलब यार इश्यूज हैं। उसके अलावा ये न्यू स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, आप लोग परेशान ना हो, पैनिक ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। हम लोग आप सब एक आवाज़ बन के मतलब अपनी आवाज़ बुलंद करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।